दोस्तों आज इस वीडियो में बनाने वाले हैं हम बेहद स्वादिष्ट ऐसी बर्फी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो इस परफेक्ट और बेहद स्वादिष्ट बर्फी को बनाने के लिए मैंने जो टिप्स एंड ट्रिक्स यूज किए हैं उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मीठे लोगों से मिलकर जाना कि कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ एक डिफरेंट बट बहुत ही ज्यादा जबरदस्त टेस्टी रेसिपी। आज हम बनाएंगे काले चने, जिसे कि हम अक्सर घरों में बनाते हैं, उसकी बनाएंगे आज हम बेहद स्वादिष्ट और हेल्दी बर्फी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे बनाएंगे काले चने की बेहद स्वादिष्ट बर्फी। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में, बनाते हैं काले चने की बेहद स्वादिष्ट बर्फी। दोस्तों इस बेहद स्वादिष्ट बर्फी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, काले चने लिए हैं मैंने, जो हम नॉर्मली सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं सेम वही ही है। इसे मैंने एक घंटा पहले भिगो दिया था और पानी अभी मैंने इसका ड्रेन कर दिया है। आपने एक घंटा पहले से भिगो लेने हैं, ज्यादा भी भिगो सकते हो। आधा कटोरी मैंने जहां पे लिया है मिल्क पाउडर, आप मावा भी ले सकते हो, और 3/4 कटोरी हमें चाहिए शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा ले सकते हो। हाफ कटोरी चाहिए देसी घी और 1 कप मैंने यहाँ पे लिया है दूध का। फ्लेवर के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और गार्निश के लिए कटे हुए बादाम और हाफ पीसेस में कट कर लिया है, और अगर आप चाहो तो आप फूड कलर भी इसमें ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। अब सबसे पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंगे और उसमें हम डालेंगे चने जो कि हमने भिगो लिए थे एक घंटा पहले, और इसमें अब जो मॉइस्चर आ गया है हम उसे हल्का सा ड्राई कर लेंगे। इसे हमें रोस्ट कर लेना है थोड़ा सा। हम इसको रोस्ट कर रहे हैं तो इसमें से हल्का हल्का सा पानी निकल रहा है, तो हमें यही खत्म करना है बेसिकली इसे रोस्ट करते हुए। आप देखिए कि ये जो चने हैं ये अच्छे से भून गए हैं, इसके साउंड से ही आपको पता चल रहा होगा। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। चने जो है वो ठंडे हो गए थे, अब हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। चनों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, आप देखिए कि बिल्कुल मैंने इसका फाइन पाउडर नहीं बनाया है, हमें ये हल्का सा ऐसे दरदरा ही चाहिए था। और कुछ लोग इसे छान देते हैं, इसके छिलकों को अलग कर देते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि चनों को हम हॉर्स पावर मानते हैं और इसकी जो असली पावर होती है वो इसके छिलके में ही होती है। इसलिए आप इसे बिल्कुल भी मत छानिएगा, बस ऐसा इसे पीस लीजिएगा दरदरा सा। ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देखिए इसका क्लोजअप भी देखिए, हमें इसे इस टाइप का ही पीसना है। पैन को हम फिर से गर्म कर लेंगे और इसमें हम डाल देंगे घी। आपने इसमें 3 टेबलस्पून घी डालना है। इसमें अब हम डालेंगे ये जो हमने चनों को ग्राइंड किया है वो, और इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अच्छे से हमें इसको भूनना है। अगर घी कम लग रहा हो तो आप घी और भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसको भूनेंगे तो ये थोड़ा सा घी छोड़ना स्टार्ट कर देगा। ये जो चने का मिक्सचर था ये अच्छे से भून गया है, आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि इसमें एक फ्लफीनेस आ गई है, फ्लावर्स भी आ गई है, और इसने घी भी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, और इसकी खुशबू बहुत ही ज्यादा अच्छी आ रही है, अमेजिंग। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं फ्लेम को ऑफ करके।
चने के मिक्सचर को मैंने निकाल लिया है। पैन में ही हम दूध डाल देंगे, एक कप जो हमने लिया था। इसे बॉईल आने देते हैं हम। जब दूध में बॉईल आ जाएगा तो आप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दीजिए। धीरे धीरे हम एक एक चम्मच ऐड करेंगे और इसे हिलाते जाएंगे ताकि लम्स ना बने। हम फिर से एक चम्मच डालेंगे और फिर हम इसे मिक्स कर लेंगे। ऐसे ही आपने पूरा मिल्क पाउडर धीरे धीरे करके मिक्स कर लेना है दूध में। आप देखिए कि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही अच्छे से गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। जो हमारा दूध है वो एक खोए के फॉर्म में आ चुका है। अब हम इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं, जो कि हमारी बर्फी के टेस्ट को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। एक पिंच मैंने फूड कलर लिया था, उसे पानी में कर लिया है डिजोल्व और उसे भी हम ऐड कर देंगे ताकि जो बर्फी की लुक भी बहुत अच्छी हो। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसे आधे मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि जो हमने पानी डाला है वो भी सूख जाए। हमारा इंस्टेंट खोवा रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए चने का मिक्सचर। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। आप इस बर्फी को एक बार जरूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी भी है और खाने में तो है ही ये मजेदार। शुगर भी ऐड कर देंगे अभी हम। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, मन कर रहा है कि अभी बस खा लें इसे जल्दी से। शुगर अच्छे से हो गई है मिक्स, कलर भी इसका हो गया है इवन। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ और इसे हम बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। मैंने इस टाइप का एक बर्तन ले लिया है, प्लेट जिसके साइड ऐसे हैं। इसको कर लिया है मैंने अच्छे से ग्रीस। अब हम अपने मिक्सचर को इसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे हम पूरी प्लेट में इवनली स्प्रेड कर लेंगे। आप इसे स्पून की हेल्प से इवनली स्प्रेड कर सकते हो और ऊपर से हल्का सा प्रेस भी कर सकते हो। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे कटे हुए बादाम के साथ। अगर आपने इसे एक बार बना लिया ना तो यकीन मानिए आपसे वेट ही नहीं होगा, आप जल्दी से ट्राई करेंगे कि हम इसे दोबारा से बनाएं और खाएं। ये ऐसी बर्फी है जिसे खाने के बाद आपका मन बिल्कुल भी नहीं भरेगा। अब हम ये जो हमने टू पीसेस में कट किए हैं आलमंड्स, उसे भी इसके ऊपर लगा लेते हैं। मैंने इसे आलमंड्स से और जो हमने रफली चॉप किए थे आलमंड्स उसे गार्निश कर लिया है। अब हम हल्का हल्का सा ऊपर ऐसे टैप कर देंगे और इसे हम एक घंटे के लिए रेस्ट पे रहने देते हैं ताकि अच्छे से ये जम सके और हम इसके पीसेस कट कर सके। हमें बर्फी को रखे हुए एक घंटा हो गया है और ये अभी सर्व करने के लिए रेडी है। चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइंस में इसे कट कर लेते हैं। आप पीसेस को अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कट कर सकते हो। ऐसे ही हम इस साइड से भी कट कर लेंगे। मैंने इसे इक्वल पोर्शन में कट कर लिया है। अब हम साइड से नाइफ की हेल्प से ही इसे थोड़ा सा अलग कर लेंगे प्लेट से ऐसे। आप देखिए कि आपने ऐसे सभी पीसेस को निकाल लेना है। आप देखिए दोस्तों कि हमारी जी कितनी स्वादिष्ट बर्फी बनकर हो गई है रेडी। इसे देखते ही आपके में मुंह में आ रहा होगा पानी।
तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए और जो हमारे चने हैं जिसे हम आम से कहते हैं उसे इस बर्फी का रूप देकर बना दीजिए खास। मेरे को पूरी उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी हेल्दी बर्फी की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आप इसे एक बार जरूर बनाकर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। इसके सामने बाकी सभी मिठाइयों को आप भूल जाओगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल। दिल से दुबई नवनीत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।